हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्री पॉइंटर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलियो वायरस के बारे में। तो आज हम पोलियो वायरस के बारे में सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है पोलियो वायरस। और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम है। क्या है ये? एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम है, जो कि एक प्रोटीन कैप्सिड भी है। तो ये पोलियो वायरस का जो है ये स्ट्रक्चर है। और इससे डिजीज क्या होता है? देखिए आप पोलियो वायरस तो है, बट इससे डिजीज क्या होता है, जैसे हम पोलियो नाम से जानते हैं, और वो डिजीज का नाम है पोलियोमेलिटिस। ये डिजीज होता है इस वायरस से, पोलियो वायरस से। और ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है या किस ऑर्गन पे ये अटैक करता है हमारी बॉडी में? तो ये करता है नर्वस सिस्टम पे, ये अटैक करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी कारण से क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करने के बाद हमारी जो बॉडी है उसमें इररिवर्सिबल पैरालिसिस भी हो जाता है। इररिवर्सिबल पैरालिसिस मतलब कि आपकी बॉडी में किसी ऑर्गन में, कोई भी ऑर्गन में ये अफेक्ट कर देगा, पैरालाइज कर देगा उस ऑर्गन को, जो कि वापस से सही नहीं हो सकता है। तो इसका आप देखते हैं हम ये कहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो देखिए जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में आता है तब ये सबसे पहले रुकता है कहाँ पर? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। और यहीं पर ये क्या होता है, यहीं से इसका मल्टीप्लीकेशन चालू होता है, रेप्लीकेट होना शुरू होता है यहीं के सेल्स पे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये कहाँ पर होता है? तो देखिए स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक ये ट्रैक्ट होता है, या एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ की जो लाइनिंग्स है उन पर ये सेटल हो जाता है। और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होना शुरू होता है पूरी बॉडी में, और फिर आखिरी में हमारे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है या अटैक करता है। तो ये था इसके बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। देखिए जब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये सेटल होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना शुरू करता है, तो यहीं से ये क्या इंटेस्टाइन में भी पहुंच जाता है, और इंटेस्टाइन के बाद जो हमारे फीसेस होता है उसमें भी ये आ जाता है वायरस। और जब ये फीसेस बॉडी के बाहर आता है तो फिर ये क्या करता है, इस फीसेस के कारण क्या है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है वायरस के द्वारा। और कंटेमिनेटेड वाटर या फिर इस फीसेस के कॉन्टेक्ट पे आने के कारण ये इसका जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन होता है अदर ह्यूमन बींग्स पे। तो मेनली इसका ट्रांसमिशन किस कारण होता है? तो कॉन्टेक्ट विद वायरस कंटेनिंग फीसेस और कंटेमिनेटेड वाटर के कारण इसका जो है ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इस वायरस का। तो जब इनके कारण होता है तो ज़्यादातर ये वायरस कहाँ फैलता है? तो ये ज़्यादातर वायरस ऐसे लोगों को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, और जहाँ पर क्या है, जिस एरिया में सैनिटेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है, जहाँ पे सैनिटेशन बहुत ही बेकार होता है या बहुत ही बुरा होता है, वहाँ पे क्या है ये वायरस सबसे ज़्यादा फैलता है। चलिए अब हम इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मेनली तीन टाइप के होते हैं पोलियो वायरस। तो सबसे पहले वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, दूसरा वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। ये तीन टाइप के होते हैं पोलियो वायरस। तो ये तीनों अभी तो नहीं है पूरे वर्ल्ड में, सबसे पहले ये तीनों आए थे, बट अब क्या है, अब सिर्फ टाइप 1 बस बचा है पूरे वर्ल्ड में, बाकी के जो दो हैं टाइप 2 और टाइप 3 वो एलिमिनेट हो चुके हैं या एरिडिकेट हो चुके हैं वर्ल्ड से। तो अभी सिर्फ टाइप 1 वर्ल्ड में फैल रहा है, वो भी कुछ ही जगह पर, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो तीनों टाइप के जो पोलियो वायरसेस हैं वो लगभग आइडेंटिकल ही होते हैं एक दूसरे के, बट डिफरेंस कहाँ था इनमें, इनका जो जीनोम का स्ट्रक्चर है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है इनका, वो अलग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो मेनली डिफरेंस है इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसकी वैक्सीन देख लेते हैं हम कि देखिए पोलियो वायरस जो है वो कभी ट्रीट नहीं हो सकता। अगर एक बार पोलियो वायरस ने किसी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, इसके लिए वैक्सीन्स बनाई गई हैं जिससे इसे प्रिवेंट कर सके, तो इसके अटैक को ही प्रिवेंट किया जा सके। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है इसलिए इसके लिए वैक्सीन यूज होती है। तो चलिए हम वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। देखिए मेनली दो टाइप की वैक्सीन यूज होती है इसमें, एक ओरल पोलियो वैक्सीन और एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। तो ये दो टाइप की वैक्सीन यूज होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में। देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, तो इसमें एक मिक्सचर दिया जाता है लाइव एटीन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस का। तो ये मिक्सचर कैसा होता है, तो ये जो पोलियो वायरस है, एक्चुअल जो पोलियो वायरस होता है उसी को, उसका जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो मल्टीप्लाई होता है उसी को सप्रेस कर दिया जाता है, फिर ह्यूमन बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाता है या दिया जाता है, एंटर कराया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, इसके लिए एंटीजेंस बनाने लगता है, इस पोलियो वायरस के लिए एंटीजेंस बनाने लगता है, और ये जो पोलियो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण क्या है, पोलियो का जो डिजीज है पोलियोमेलिटिसिस, तो वो फैलने का भी डर नहीं होता है। तो इस वैक्सीन से क्या है, इस वैक्सीन से इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग की जाती है किसी भी टाइप के वायरस के खिलाफ। तो अभी ये कितने टाइप में मिल रहा है, तो अभी ये OPV1 यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन 1 और ओरल पोलियो वैक्सीन 3, ये टाइप 1 और टाइप 3 पोलियो वायरस के लिए ही ये अभी बन रहा है, क्योंकि टाइप 2 जो है वो बहुत पहले एलिमिनेट हो चुका है वर्ल्ड से। और अब क्या हुआ है, तो अभी हाल ही में 2019 में WHO ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जो टाइप 3 पोलियो वायरस है वो भी एलिमिनेट हो चुका है, और अब जो वैक्सीन है ये ओरल पोलियो वैक्सीन वो सिर्फ OPV1 ही दिया जा रहा है। तो इसमें क्या यूज़ होता है, आपको ये ध्यान रखना है, लाइव एटीन्यूएटेड स्ट्रेन यूज़ होता है, मतलब जो सप्रेस्ड वायरस होता है वो यूज़ होता है।
देखिए इसका एक लिमिटेशन भी है, इस वैक्सीन का एक लिमिटेशन भी है, वो क्या है, इस ये जो वैक्सीन है इसमें क्या होता है, इसमें सप्रेस किया जाता है पोलियो वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको, बट कभी कभी क्या होता है ये फेल हो जाता है, ये जो है सप्रेस नहीं हो पाता, और जब ये बॉडी के अंदर पहुंच जाता है उसके बाद ये क्या होता है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और उस बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है पोलियो वायरस से या फिर पोलियो का डिजीज है उससे। ऐसे ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिजीज को बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। तो ये डिजीज हो जाता है अगर ओपीवी क्या है वो फेल हो जाए। तो इसलिए जो कुछ जो अभी बाकी जो कंट्रीज में है, देखिए अभी मेनली जो पोलियो वायरस है वो सिर्फ तीन ही कंट्री में है अभी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान, बाकी जो जहां पर भी है वहां पर ये ही वाले हैं। ये क्या है, ट्रांसमिशन से नहीं फैलते हैं, ये वैक्सीन के कारण ये जो पोलियो वायरस है वो फैलते हैं। तो ये इसका एक लिमिटेशन है ओरल पोलियो वैक्सीन का। चलिए अब हम अगली वैक्सीन के बारे में देखते हैं। तो देखिए आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, इसमें क्या होता है, तो जैसे पिछली बार में हम सप्रेस्ड पोलियो वायरस दे रहे थे, अब इसमें क्या देते हैं, हम इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड स्ट्रेन देते हैं पोलियो वायरस का, मतलब वो पूरी तरीके से डेड है वो पोलियो वायरस, बस उसको हम सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं ताकि उसके खिलाफ जो है वो एंटीजन बना सके हमारा जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो, ताकि कभी भी अगर रियल या एक्चुअल पोलियो वायरस उस बॉडी में एंटर होता है तो वो उस बॉडी के अंदर, उस बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर इतनी एबिलिटी या इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि वो उससे फाइट कर सके। इसलिए क्या है, इसमें क्या दिया जाता है, इनएक्टिवेटेड और किल्ड पोलियो वायरस इस वैक्सीन में। तो ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है ओपीवी से, इसलिए इसको कम प्रेफर किया जाता है, बट इसमें ओपीवी के रिस्पेक्ट में एक फायदा है कि इसमें जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस है वो इसमें नहीं होता, इसके चांसेस नहीं होते क्योंकि ये किल्ड है, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये था आईपीवी के बारे में। तो चलिए अब हम अगले देखते हैं। तो अगला हमारे पास है ग्लोबल स्टेटस, पोलियो वायरस का ग्लोबल स्टेटस क्या है। तो देखिए वर्ल्ड में अभी मैंने आपको बताया जो दो टाइप है, टाइप टू और टाइप थ्री, वो क्या है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं। टाइप टू तो बहुत पहले ही हो गया था और टाइप थ्री अभी हाल ही में पिछले साल 2019 में WHO ने डिक्लेयर किया है कि टाइप थ्री भी जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। तो अब सिर्फ टाइप वन ही बचा है और जो कि कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ज्यादातर केसेस हैं इस टाइप वन पोलियो वायरस के। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्यों, क्योंकि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है उनकी बॉर्डर इंडिया से लगती है, तो यहाँ पे भी फैलने के, इंडिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उन पे फैलने के इसके चांसेस हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे फैसले लिए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैसले लिए हैं। चलिए सबसे पहले हम ग्लोबल स्टेटस देख लेते हैं और देखते हैं हम क्या है इसमें। देखिए अभी मैंने आपको हाल ही में बताया कि जो ओपीवी वैक्सीन थी वो टाइप वन और टाइप थ्री दोनों को मिक्स करके ही बनाई जाती थी, बट अब क्या हो गया, अब वो सिर्फ टाइप वन के लिए ही बनाई जा रही है। और अब जो पिछले कुछ सालों में पोलियो वायरस के जो केसेस आए हैं इन कंट्रीज के अलावा, ये जो अफगानिस्तान, नाइजर और पाकिस्तान है, इन कंट्रीज के अलावा अगर किसी और कंट्रीज में आए तो वो ज्यादातर जो केसेस हैं वो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन के हैं, मतलब जो वैक्सीन के कारण ओपीवी जो वैक्सीन थी अभी हमने डिस्कस किया उसमें क्या होता है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस आ जाते हैं, तो उसी कारण से इन जो कंट्रीज है जैसे म्यांमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया, यहाँ पर इनके केसेस मिले हैं या सामने आए हैं। तो ये बहुत ही रेयर है VDPI, जो कि सिर्फ वैक्सीन से ही होता है। और ये किनको होता है, तो ऐसे चिल्ड्रन या ऐसे बच्चे जिनके जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो उन्हीं को ये होता है। तो ग्लोबल स्टेटस ये था। फिर अब हम स्टेटस ऑफ इन इंडिया देख लेते हैं कि इंडिया में पोलियो वायरस का क्या स्टेटस है। तो देखिए करंटली इंडिया क्या है, एक पोलियो वायरस फ्री कंट्री है, मतलब 2014 में ही इंडिया ने अपने आप को पोलियो वायरस से फ्री डिक्लेयर कर दिया था, जीरो केसेस हो गए थे 2014 से, दो साल पहले ही, तीन साल पहले 2012 तक हमारे जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे वो जीरो हो गए थे। तो ये कैसे हुआ था, ये कैसे पॉसिबल था, तो 1995 में इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर पे क्या होता था, आपने पहले ऐड देखे होंगे, बहुत सारे टीवी में ऐड आते थे, पोस्टर्स भी देखे होंगे, दो बूंद जिंदगी की, या फिर हर संडे को या रविवार को पोलियो बूथ सेटल किए जाते थे, सेटअप किए जाते थे, जहां पर तो पोलियो की जो ओपीवी वैक्सीन है उन्हें जो बच्चे हैं उन्हें दिया जाता था 8 साल तक के बच्चों को। इसके कारण क्या है, इस प्रोग्राम के कारण, इस प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली है इंडिया को कि जो हमारे 1980s के टाइम पे लगभग 50,000 से 1,00,000 तक के केसेस होते थे पोलियो वायरस के, वो अब 2012 तक जीरो पर आ गए थे। तो बहुत ही बड़ी सक्सेस थी हमारे लिए इस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए। 2012 में हमारे यहाँ पे पोलियो वायरस जीरो हो गए थे और 2014 में हमने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया क्या है, पोलियो फ्री है। अब जो थोड़े बहुत भी केसेस हैं इंडिया में वो सभी क्या है, VDPI ही है, मतलब वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस या पोलियो इन्फेक्शन ही है। तो 2014 में अब इंडिया ने एक और डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने, तो देखिए आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा है पोलियो वायरस के केसेस। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि जो भी सिटीजन है या जो भी पर्सन है अगर इन कंट्रीज से आ रहा है इंडिया में, तो उनको मैंडेटरी है पोलियो वैक्सीनेशन कराना, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन उनके लिए बहुत ही जरूरी है।
तो ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। तो स्टेटस क्या है इंडिया में पोलियो वायरस का, कि जो इंडिया है वो पोलियो वायरस फ्री कंट्री है। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही था, आई होप आपको पोलियो वायरस के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा, उसकी पूरी जानकारी हो गई होगी और आपके एग्जाम के लिए ये यूजफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, किसी भी लेक्चर या किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस लेक्चर की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसकी लिंक मेरे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।